हाथरस की घटना में गैंग रेप के बाद युवती की मौत और उसके बाद यूपी के कई जिलों से आ रही बलात्कार और हत्याओं की खबरों से लगभग पूरे देश में सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। छोटे बड़े सभी दल सरकार को घेरने में लगे हैं, जिससे सरकार की खासी किरकिरी हो रही है। एक के बाद एक लगातार हो रही बलात्कार की घटनाएं लोगों में आक्रोश बढ़ा रही हैं और पुलिस आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज करके अपना पल्ला झाड़ रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा आंदोलन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जिससे योगी सरकार की खासी किरकिरी हो रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम इन आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज करके सख्ती भी दिखा रही है, लेकिन आंदोलन करने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी बागपत में परिजनों से मिलने जा रही थी, पीड़ित परिवार से, उनको मिलने नहीं दिया गया तथा उनके साथ धक्का मुक्की की गई है और इनसे कोई संभल नहीं रहा है। चार बलात्कार 3 दिन के अंदर हो गए हैं। कल बुलंदशहर में हुआ है, उसमें भी 9:30 बजे खत्म हो गई थी, 10:30 बजे जला दिया गया है और पता चला है कि पेट्रोल डाल के जलाया गया है, जो कि ये तो बहुत गलत बात है। इसकी हम निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इनको योगी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए तथा राष्ट्रपति जी को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। क्या नाम है आपको? साकेत बिहारी मिश्रा जी। मैंने जिस तरह से देश हमारे पूरे भारतवर्ष में, खासकर उत्तर प्रदेश में, जब से मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं तब से हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। पता नहीं कितनी टाइम घर से निकल कर जाती है, वापस आती है कि नहीं आती है। आप देख रहे हैं कि लगातार हाथरस में इतनी दुर्दांत हमारे जो है बालिका के साथ, जो दलित बेटी है उसके साथ इतनी हत्या की गई, उसके साथ बलात्कार किया गया था। मनीषा वाल्मीकि के साथ में वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी जा रही थी परिवार से मिलने, संवेदना व्यक्त करने, तो इस योगी सरकार के पुलिस वालों ने उनको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया और आपने देखा कि किस तरह से उनके साथ गंदगी पूर्वक हरकत की है। हम इसकी निंदा करते हैं। आज हमने योगी का पुतला जलाया है और ये मांग करते हैं कि इसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए और इनको नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके पास प्रदेश चलाने का नेतृत्व नहीं है, ये योगी पूरी तरह से फेल है, विफल है। ये उन्होंने अघोषित आपातकाल लागू कर दिया है पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का आज पुतला दहन किया गया है। हाथरस में जो निर्मम घटना हुई बहन मनीषा के साथ, उसको वारदात को लेकर के घटना को पूर्ण जानकारी लेने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, बहन प्रियंका गांधी जी मिलने जा रही थी, लेकिन इस योगी सरकार ने बर्बरता का सामना कराया उनको और लाठीचार्ज कराई कार्यकर्ताओं के ऊपर और उनको मिलने नहीं दिया गया। आज उसी का आक्रोश है हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के सूबे के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। अभी तो ये आंगड़ा आई है।